अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पे नेविगेट। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है होंडा सिटी 70 ड्रीम के ऊपर। होंडा सिटी 70 ड्रीम का 2023 मॉडल फाइनली पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया है और आज मैं आप सबके सामने इस बाइक का रिव्यू लेकर आया हूँ। इसका जो 2023 मॉडल है आज हम उसका कम्प्लीट रिव्यू करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे कि इस बाइक के अंदर आपको चेंजेस क्या क्या मिल रही हैं और इस बाइक की जो अभी लेटेस्ट प्राइस है वो क्या चल रही है और क्या ये प्राइस चेंज होगी इन द कमिंग मंथ या फिर नहीं होगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अक्टूबर के 10 दिन हो चुके हैं, मतलब आज है 13 अक्टूबर, तो आज के दिन तक होंडा ने अभी तक प्राइस को इंक्रीज़ नहीं किया, जबकि यामाहा ने अपने प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया था। होंडा ने अभी तक प्राइस को इंक्रीज़ नहीं किया और ना ही सुजुकी ने अपने बाइक्स की प्राइस को इंक्रीज़ किया। तो पॉसिबल है कि नेक्स्ट मंथ में करें, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि इसी मंथ के एंड में प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। तो इसी वजह से हम जो एक्सपेक्टेड प्राइस होगी चेंज होने के बाद उसके बारे में बात कर लेंगे और अभी जो प्राइस चल रही है वो भी आपको बता दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इस बाइक के मीटर की। तो इस बाइक के मीटर के अंदर आपको सिर्फ स्पीडोमीटर इंस्टॉल मिल रहा है और स्पीडोमीटर में भी चेंजिंग नहीं की गई, सेम टू सेम पुराने मॉडल जैसा स्पीडोमीटर है। असेंबलीज में राइट साइड पे कुछ भी नहीं है, लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर आपको हेडलाइट हाई लो, हेडलाइट ऑन ऑफ, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात कर लें इस बाइक की हेडलाइट की, तो इस बाइक की जो हेडलाइट है इसके अंदर आपको सिंपल बल्ब मिल रहा है। सीडी 70 वाले बाइक के अंदर आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, फ्रंट पर आपको एक स्पोर्टी स्टाइल का हुड मिल जाएगा और इसके हुड का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी प्यारा है। इसके बाद अगर हम बात करें इस बाइक के फ्रंट शॉक्स की, तो इस बाइक के जो फ्रंट शॉक्स हैं वो टेलीस्कोपिक फॉक्स बाइक के अंदर आपको फ्रंट शॉक्स मिल रहे हैं, एक रिफ्लेक्टर भी इसके अंदर लगा हुआ है और इसके अलावा बाइक का जो आपको फ्रंट टायर मिल रहा है ये 2.25x17 का फ्रंट टायर है, 17 इंच के स्पॉक रिम्स हैं और फ्रंट पर ड्रम ब्रेक है। अब अगर इस बाइक के टैंक की बात कर ली जाए तो सबसे मेन चेंजिंग आपको टैंक के अंदर ही मिल रही है और टैंक के अंदर जो आपको चेंजिंग मिल रही है वो है इस बाइक के ग्राफिक्स। इस बाइक के अंदर आपको 2023 मॉडल के स्पेशल ग्राफिक्स मिल रहे हैं और इसके ग्राफिक्स जो हैं ब्लैक कलर के ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और कॉम्बिनेशन आप कलर्स का देख सकते हैं। अच्छा, एक इसमें कॉमन कलर है, ग्रीन कलर। ये ग्रीन कलर जो है ये आपको कॉमन मिलेगा CD70 ड्रीम, मतलब होंडा के जितने भी मॉडल्स अभी तक लॉन्च हुए हैं 2023 मॉडल, CD70 से लेकर CB125F तक जितने बाइक्स अभी लॉन्च हो चुके हैं प्राइडर के अलावा, तो इन सब में आपको एक कॉमन कलर ग्रीन कलर जो है ये कॉमन ही मिलेगा सब में। इसके अलावा अगर हम बात करें इस बाइक की पेट्रोल एवरेज की, तो जितनी आपको CD70 पेट्रोल एवरेज देता है उतनी आपको ये बाइक पेट्रोल एवरेज देगा, जो कि है 45 से 50 तक अगर आप रफ चलाते हैं। तो अगर आप सुकून से चलाते हैं बाइक को तो फिर आपको ये 60 प्लस भी दे देता है एवरेज। इसके अलावा अगर हम इस बाइक की सीट की बात करें तो सिंपल CD70 से इस बाइक की जो सीट है वो बहुत सॉफ्ट और कंफर्टेबल सीट है। अब अगर इस बाइक के इंजन की बात कर ली जाए तो इस बाइक का जो इंजन है ये 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। ओवरहेड कैमशाफ्ट होने की वजह से बाइक वाइब्रेशंस कम से कम प्रोड्यूस करता है। इसके साथ अगर हम इस बाइक की डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें तो 72 क्यूबिक सेंटीमीटर इस बाइक की डिस्प्लेसमेंट है। बोर इस बाइक का है 47 mm, बाइक का स्ट्रोक है 41.4 mm, बाइक की कंप्रेशन रेशो है 8.8:1। इस बाइक के अंदर अगर हम ट्रांसमिशन की बात कर लें तो इस बाइक के अंदर आपको 4 गियर ट्रांसमिशन मिलेगा और तमाम गियर्स बाकी आगे की तरफ लगते हैं। इस बाइक के अंदर आपको फॉरवर्ड शिफ्टिंग मिल जाएगी। इसके साथ साथ अगर हम इस बाइक के फ्यूल सिस्टम की बात कर लें तो इस बाइक के अंदर आपको जो फ्यूल सिस्टम इंस्टॉल्ड मिल रहा है वो है कार्बोरेटर बेस्ड। इसमें आपको सिंपल कार्बोरेटर इंस्टॉल्ड मिल रहा है। 2015 के बाद इन्होंने कार्बोरेटर को चेंज किया था और वही कार्बोरेटर अभी 2023 तक आपको सेम ही मिल रहा है। तो 2015 के बाद जो चेंजिंग हुई थी बस कार्बोरेटर के अंदर वही चेंजिंग है, उसके अलावा कोई स्पेशल चेंजिंग नहीं है। हाँ, 2020 या फिर 21 मॉडल, इन दोनों में से जब कोई मॉडल लॉन्च हुआ था पाकिस्तान के अंदर तब होंडा ने ये क्लेम किया था कि हमारा जो बाइक है वो 80 km/l तक एवरेज देगा, लेकिन इस तरह का किसी को भी इतनी ज़्यादा एवरेज नहीं मिली। लोगों को मैक्सिमम 65 तक मिल चुकी है या 70 तक भी, दो तीन लोगों से मैंने सुना है कि 70 तक भी उनको मिली है, लेकिन 70 प्लस मैंने किसी से भी नहीं सुना। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मुझे 50 प्लस मिल रही है, 60 प्लस भी नहीं मिल रही मुझे, वो फिर मेरा जिस तरह का यूज़ है उस हिसाब से मुझे 50 मिलनी चाहिए। बहरहाल अगर हम इस बाइक के बैक साइड पर आ जाएँ तो इस बाइक के अंदर आपको फुल चेन कवर मिल रहा है और ब्लैक कलर में आपको फुल चेन कवर मिलेगा। अगर हम इस बाइक के शॉक्स की बात कर लें बैक पर, तो इस बाइक के जो बैक शॉक्स हैं वो स्विंग आर्म आपको शॉक्स मिल जाएंगे, ये एडजस्टेबल नहीं होते। और इसके अलावा अगर आप इसकी टेल देखें तो टेल के ऊपर भी आपको थोड़ा सा ग्राफिक्स का डिज़ाइन मिल जाएगा। और इसके बाद अगर हम इस बाइक के बैक टायर की बात कर लें तो इस बाइक का जो आपको बैक टायर मिल रहा है ये है 2.50x17 का बैक टायर, 17 इंच के स्पोक रिम्स है बाइक के अंदर और बाइक के अंदर आपको बैक पे ड्रम ब्रेक इंस्टॉल मिलेगी।
इसके बाद अगर बाइक की बैक लाइट की बात कर लें तो इस बाइक की जो बैक लाइट है, बैक लाइट में आपको सिंपल बल्ब मिल जाएगा और आपको CD70 वाले पीछे इंडिकेटर्स मिल रहे हैं और बैक जो बाइक का मड गार्ड है वो हार्ड प्लास्टिक का बैक मड गार्ड है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस बाइक की चेंजिंग की, तो इस बाइक के अंदर जो चेंजिंग आई है वो सिर्फ ग्राफिक्स की ही है, ग्राफिक्स के अलावा आपको कुछ भी चेंज नहीं मिल रहा है इस बाइक के अंदर। और अगर हम इस बाइक के ओवरऑल वेट की बात कर लें तो CD70 ड्रीम का जो आपको वेट मिल रही है 82 kg। इसके साथ अगर हम बाइक की डायमेंशंस की बात कर लें तो 1899 mm बाइक की लेंथ है, बाइक की विड्थ है 751 mm, बाइक की हाइट है 1014 mm। इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल रही है 136 mm। इस बाइक के अंदर जो आपको फ्रेम मिल रहा है वो है बैकबोन टाइप। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं इस बाइक के कंफर्ट लेवल की। अच्छा, मैं इसका जो कंफर्ट लेवल है उसको कंपेयर करना चाहूँगा सिंपल CD70 से, तो उसके कंपैरिजन में हम सारी बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें कंफर्ट लेवल की, तो कंफर्ट लेवल के हिसाब से मेरे ख्याल में होंडा CD70 ड्रीम जो है ये ज़्यादा कंफर्टेबल है बनिस्बत सिंपल CD70 के। इसकी रीज़न जो सबसे बड़ी रीज़न बन जाती है वो है सीट। इस बाइक की सीट को और आप सिंपल CD70 की सीट को कंपेयर कर लें, आपको फ़र्क पता लग जाएगा, क्योंकि सिंपल CD70 की सीट थोड़ी सी हार्ड है और इसकी जो सीट है वो थोड़ी सी सॉफ्ट है, जिसकी वजह से ये बाइक कंफर्ट में बेनिफिट ले जाता है एक तरह से। और इसके अलावा अगर हम इंजन की बात करें तो इंजन साइड से दोनों बाइक सेम है, इंजन साइड से बिल्कुल भी चेंज नहीं है दोनों बाइक्स के अंदर, दोनों बाइक्स के स्पेसिफिकेशंस इंजन के सेम टू सेम है। दोनों बाइक्स की अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें तो 72 cm आपको CD70 की मिल रही है सिंपल, और 72 ही आपको ड्रीम की मिल रही है। इसके बाद अगर हम बात कर लें पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की, तो मैं एक बात बिल्कुल सच सच कहना चाहूँगा कि पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी हमेशा ये पिछले साल के बाद जब नया मॉडल लॉन्च करते हैं तो पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी को थोड़ा सा गिरा देते हैं। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इस तरह क्यों करते हैं, लेकिन अगर आप इसकी क्वालिटी को कंपेयर करेंगे पुराने मॉडल्स के साथ तो आपको इस मॉडल की क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब लगेगी। लेकिन अगर आप इस मॉडल की क्वालिटी को कंपेयर करेंगे चाइनीज़ बाइक्स के साथ तो चाइनीज़ बाइक से इस बाइक की क्वालिटी बहुत बेहतर है। इसके बाद अगर हम बात कर लें टायर्स एंड ब्रेक्स की, तो CD70 के हिसाब से इसके जो टायर्स हैं वो ठीक हैं, और एक 70cc होने की वजह से इसकी जो ब्रेकिंग है वो ठीक है। इस तरह नहीं है कि बाइक की पावर ज़्यादा है और ब्रेकिंग हल्की है, बाइक की जितनी पावर है उतनी ही ब्रेकिंग है। अगर हम इस बाइक के गेयरबॉक्स की बात करें तो गेयरबॉक्स इस बाइक का हार्ड है, स्मूथ नहीं है। सीट बाइक की बहुत कंफर्टेबल है, बाइक का सीटिंग पोस्चर बहुत अच्छा है। इस बाइक के अगर हम पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स अवेलेबल होते हैं और पार्ट्स सस्ते भी हैं, आपको पार्ट्स का कोई इशू नहीं होता, मैकेनिक्स भी बाइक के अवेलेबल हैं। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइस की, तो होंडा CD70 ड्रीम की जो आपको अभी लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 1,24,500 रुपये, 1,24,500 रुपीज़ इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस है। और हो सकता है इस मंथ के एंड में या फिर नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में अगर होंडा प्राइस चेंज करता है तो फिर इसकी प्राइस चेंज होगी, और कितनी हो जाएगी ये मैक्सिमम 6,000 से 7,000 रुपये इसके अंदर इंक्रीज़ आ जाएगा। तो अभी ये 1,24,500 का है, तो ये 1,30,500 या फिर 1,31,500 तक हो जाएगा ये बाइक अगर इसकी प्राइस चेंज हुई तो। सो गाइस ये थे मेरा आज का रिव्यू, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैंने को लाजमी सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक पेज को लाजमी लाइक करें, फेसबुक पेज पे वीडियो देखें और उसको शेयर भी लाजमी करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।